लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 29 इंडिया। मैं सानिया जी, नई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। नसरुल्लागंज में पागल कुत्ते का कहर, पागल कुत्ते ने करीब 15 लोगों को किया घायल। फीसलपुर का परसंडी गांव चढ़ा सचिव व ग्राम प्रधान की मनमानी की भेंट, ग्राम प्रधान अपने चहेते को ही दे रहे आवास लाभ। मंत्री हर्ष यादव का बड़ा बयान, कहा पार्टी में नए कांग्रेसियों को जगह तो है लेकिन पार्टी के लिए पुलिस के डंडे खाने वालों को पहले फायदा मिलेगा, अवसरवादी फूल छाप कांग्रेसियों को बाद में मिलेगा लाभ। नसरुल्लागंज में एक पागल कुत्ते ने कहर बरपा रखा है। जानकारी के अनुसार नसरुल्लागंज में एक पागल कुत्ते ने लगभग 15 लोगों को घायल कर दिया है। पागल कुत्ते का आतंक यही नहीं थम रहा है। नसरुल्लागंज के नीलकंठ रोड पर एक कुत्ते ने मोटरसाइकिल पर सवार दो महिलाओं में से पीछे बैठी एक महिला को काट लिया, जिससे दोनों महिला मोटरसाइकिल से गिर गई। ये घटना वहां पर मोबाइल शॉप में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं घायलों को नसरुल्लागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने अधिकांश को भोपाल रेफर कर दिया। इस मामले में डॉक्टर मनीष शाश्वत का कहना है कि नगर में करीबन 12 से 14 लोगों को डॉग बाइट हुआ था, जिन्हें प्राथमिक उपचार के तौर पर रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया है। जो लोग ज्यादा गंभीर थे उन्हें भोपाल रेफर कर दिया है। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। कितने लोग थे इसमें? लगभग हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि इसमें 12 से 14 लोगों को जो है डॉग बाइट हुआ था और उनको जो है एंटी रेबीज जो अपना इंजेक्शन आता है उनको लगा दिया गया था। और उसके बाद जो जनरली डॉक्टर्स हमारे अपने आज तक एंटी रेबीज लगा हुआ आया है और ये उनको इंजेक्शन लगवा के जो है जिन व्यक्तियों को ज़्यादा काटा था उनको भोपाल हमीदी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था। तो एक बात निकल के ये भी सामने आई थी कि हीमोग्लोबिन करके कोई एक इंजेक्शन आता है जो अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है, क्या कारण है उसका? इसका कारण नहीं है क्योंकि अपने यहाँ जो CSC लेवल पे जो है वो एंटी रेबीज ही अभी तक की सप्लाई है। आगे हम लोग ने अभी अपने उच्च अधिकारियों से बात करी है तो उन्होंने यही कहा है कि इसको जो है आप इंडियन करिए, अपन देखते हैं इसमें जो भी मदद होगी उसमें कुछ जो भी इंजेक्शन मिलेंगे तो वो जब आ जाएंगे तो आगे वो व्यवस्था भी अपने उपलब्ध हो जाएगी। जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक गरीब को छत देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके ही अधिकारी उनके मंसूबों पर पानी फेरते नजर आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बीसलपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला गांव परसंडी का। ये गांव सचिव व ग्राम प्रधान की मनमानी की भेंट चढ़ गया है। परसंडी के ग्राम प्रधान अपने चहेते को ही आवासों का लाभ दे रही है। आपको बता दें कि गांव परसंडी में महिला माया देवी प्रधान है लेकिन प्रधानी उनके पति रामकिशन कर रहे हैं, जिसके चलते वे गांव में अपने करीबियों को ही आवास दे रहे हैं। यहां तक कि गांव वालों ने ये भी बताया कि प्रधान ने जिनको आवास दिए उन्होंने गाँव से बाहर शहर में आवास के पैसों से अपना मकान बनवा लिया। वहीं जो वास्तव में गरीब हैं उनको आवास की आवश्यकता है, उनके लिए प्रधान रुपयों की मांग करते हैं। कैमरे के सामने ग्रामीण नहीं बोल पाए लेकिन उन्होंने अपना दर्द News 29 इंडिया की टीम को बताया। News 29 इंडिया की टीम जब गांव में पहुंची तो गांव में भ्रष्ट प्रधान की पोल खुलकर सामने आ गई। वहीं प्रधानमंत्री की आवास योजना की भी जमीनी हकीकत आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह गरीब छप्पर के मकानों में रहने को मजबूर है और प्रधानमंत्री अपने भाषणों में हर घर में आवास देने की बात कर रहे हैं लेकिन यहां तो कहानी कुछ और ही है। बीसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? पंथड़ी। क्या समस्या आपकी? समस्या यह है कि आप पानी बैठे रहते हैं और प्रधान जो है वो आवास नहीं देता है। क्या कह रहे हैं आवास? वो जा कह रहे हैं कि वो मिल जाएगा मिल जाएगा, 15 साल में आज तक नहीं मिला। तो इसी कच्चे मकान में रहते हैं? ऐसे साहब रहते हैं झोपड़ी में। कभी प्रधान से बात की आपने? प्रधान तो वो मतलब हाँ करता है मगर देता नहीं है, देता उसी को है जो उसके माँ बिके। क्या नाम है प्रधान का? उसका है रामकिशन। सचिव से मिले हैं आज तक? हम तो साहब नहीं मिले। माया देवी बताओ, सचिव का क्या नाम है साहब? हमको नहीं मालूम। अच्छा, फूल बाबू कहाँ रहते हैं? पंसड़ी। अच्छा, क्या समस्या आपको? समस्या का सर ना एक बीघा जमीन है ना, और पानी पूरे रात जो ऐसे चुचियाते रहता है।
अच्छा घर आपका? हाँ। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? अभी नहीं। बात की प्रधान जी से आपने? प्रधान जी से की तो क्या बताया उन्होंने? प्रधान जी ने जो कहा कि आवास आपने तो मिलेगा। अच्छा तो अभी तक आए नहीं? ना। कितना समय हो गया प्रधान जी को प्रधान करते हुए? लगभग हो गए 12-13 साल। 12-13 सालों से आवास ही नहीं है आप गाँव में? आज सर मुझे नहीं मिले। कारण क्या है, क्या कारण है, मतलब आपसे आप क्या कारण है जो आपको नहीं देते आवास? अब सर पता नहीं, उनके माफिक लोग हैं, उन्हें देते हैं। दमोह से यादव समाज के कार्यक्रम से लौटते हुए गड़ाकोटा अपने रिश्तेदार के घर आए हुए मंत्री हर्ष यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में नए कांग्रेसियों को जगह तो है, पर सबसे पहले उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा जिन्होंने पार्टी के खातिर पुलिस के डंडे खाए हैं और जिन पर केस दर्ज है। अवसरवादी फूल छाप कांग्रेसियों को लाभ नहीं मिलेगा, यानी उनका इशारा सीधे सीधे बागियों पर था जो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में गए थे। फिलहाल उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने की कोई संभावना नहीं है। केसली से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण है, जिन्होंने लगातार 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया, लाठी खाए, वाटर कैनिंग हुई, जेल गए, केस बने, सबसे पहले उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मान किया जाना चाहिए, उनको पद से नवाजा जाना चाहिए, उनको संगठन के साथ साथ सत्ता में भागीदारी मिले। हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है, हमारी सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है। जो नए लोग सत्ता के सुख भोगने के लिए यहां आना चाहते हैं, हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, उनको तब पद और पावर मिलेगा जब 5 साल हमारी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। तब अगले 5 साल बाद हम लोग सोचेंगे कि उनको हमें पद और सम्मान देना है। ऐसे अतिरिक्त लोगों की हमारी पार्टी में सम्मान नहीं मिलना चाहिए, इस बात को पूरी ताकत से और पूरी स्पष्टता से कहना चाहते हैं। झालावाड़ जिले के चौमलहा कस्बे में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कस्बे को स्वच्छ रखने को लेकर नन्हे बालक बालिकाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें महिलाओं व बालकों ने कस्बे के मुख्य झंडा चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने घर व दुकानों के साथ चौमलहा को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इस दौरान स्वच्छ भारत संदेश रैली निकाली गई। चौमलहा से सुरेश सिंह की रिपोर्ट। सरगुजा के मेन पार्ट आदि कई हिस्से में अभी भी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। एक गांव में प्रसव पीड़ित महिला को परिजन झलगी में लादकर 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। दर्द से तड़पती महिला का गाड़ी में प्रसव कराया गया। मेन पार्ट के पटपटिया पनही पकना में सड़क नहीं होने के कारण प्रसव पीड़ित महिला को झलगी में लादकर 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर 102 तक लाया गया। यहां के ग्रामीण आज भी सड़क के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब प्रसव पीड़ित महिला को झलगी में लादकर गाड़ी तक लाया गया। दर्द से तड़पती महिला का गाड़ी में ही प्रसव करना पड़ा। हालांकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।